भारत और पीएम मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों ने जिस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी की थी, उसके बाद से भारत और मालदीव के बीच राजनयिक स्तर पर तनाव बना हुआ है। भले ही मालदीव सरकार ने अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन भारत सरकार अब मालदीव का विकल्प तैयार करने के लिए लक्षद्वीप को एक बड़ा टूरिज्म हब बनाने जा रही है। लेकिन देशभक्ति का दावा करने वाले भारतीय अब मोदी सरकार के इसी प्लान में पलीता लगाने को अग्रसर है। दरअसल मामला कुछ यूं है कि कल तक जो भारतीय सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चला रहे थे, अब वही मालदीव से विवाद के बीच बीते 3 दिनों के अंदर करीब 1400 भारतीयों ने मालदीव की यात्रा की। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ये कैसी देशभक्ति है। आंकड़ों पर नजर डाले तो पता चलता है कि 4 जनवरी को ही पीएम मोदी लक्षद्वीप पर गए थे और 6 जनवरी को मालदीव के मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद 1 से 6 जनवरी के बीच 33,807 पर्यटक मालदीव आए थे। इनमें से 2,372 पर्यटक भारत से ही थे। तो वही 7 से 9 जनवरी के बीच मालदीव में 17,176 पर्यटक पहुंचे। इनमें से 1,419 भारतीय पर्यटक थे। हालांकि पिछले साल से इसकी तुलना करें तो भारतीय पर्यटकों की संख्या में कमी जरूर आई है। मौजूदा वक्त में भारतीय पर्यटक मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज की तरह है, क्योंकि मालदीव की आर्थिक सत्ता इस वक्त टूरिज्म पर टिकी है और भारत उसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही मालदीव जाते हैं और मालदीव ने उन्हीं पर्यटकों को नाराज कर दिया है। वर्ष 2023 में 2,09,000 लोग भारत से मालदीव घूमने के लिए गए थे, जबकि 2022 में मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 2,41,000 थी। भारत के दक्षिणी तट से मालदीव की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है। भारतीयों के लिए मालदीव पसंदीदा जगहों में से एक है। साल 2023 में मालदीव आने वाला हर 10 में से एक पर्यटक भारतीय था। लगातार 2 साल से मालदीव में सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक पहुंच रहे हैं। बता दें कि मालदीव को लेकर बवाल उस वक्त खड़ा हो गया जब 4 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। उन्होंने दौरे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और लोगों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की थी। इसके बाद 6 जनवरी को मालदीव सरकार की मंत्री मरियम शिवना ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके बाद 2 और मंत्री महजूम माजिद और मालशा शरीफ भी कूद पड़े और भारत के खिलाफ टिप्पणी की। बवाल बढ़ा तो मालदीव सरकार ने तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद दोनों ओर से सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया। कई लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी तो वहीं मालदीव के विपक्षी नेता ने दावा किया कि विवाद के बाद एक इंडियन शादी भी कैंसिल हो गई, जिसमें लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे। मालदीव जाने वाली फ्लाइट्स की बुकिंग्स फिलहाल सस्पेंड कर दी गई हैं। मालदीव जैसे देश के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि उसकी तकरीबन 25% अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही टिकी है और मालदीव घूमने जाने वालों में भारतीय किसी से कम नहीं है। लाखों की संख्या में हर साल भारतीय मालदीव घूमने जाते हैं। बहरहाल मालदीव लक्षद्वीप विवाद के बीच बीते 3 दिनों में हजारों भारतीयों का मालदीव जाना देशभक्ति पर सवाल खड़े करता है कि आखिर ये कैसी देशभक्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।